अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हबीब रहमान बे। 575 वाट सोलर पैनल प्राइसिंग इन पाकिस्तान। अगर आप अपने घर की छत के ऊपर 575 वाट के बड़े सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए। आपको पता होना चाहिए पिछले 3-4 महीनों के अंदर सोलर पैनल की प्राइसिंग में काफी ज्यादा कमी आ गई है। जो सोलर पैनल 100 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल रहा था, इस वक्त वो 40 रुपए से भी नीचे आ गया और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 9 सेंट पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल आ चुके हैं। अगर आप 9 सेंट को यानी डॉलर का जो 9 पैसे हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं 275 के साथ, जो कि आज का रेट है डॉलर का, 275 के साथ आप 9 सेंट को करेंगे तो आपको 23 रुपए से लेके 24 रुपए पर वाट आएगा। तो ये इस वक्त प्राइसेस क्या चल रही है पाकिस्तान के अंदर 575 वाट के सोलर पैनल मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर कौन कौन से अवेलेबल हैं। लोजी के अंदर लोजी हाइमो 5 में भी अवेलेबल है, लोजी हाइमो 6 में भी अवेलेबल है, जिंको एन टाइप में भी अवेलेबल है, जिंको पी टाइप में भी अवेलेबल है। जिंको का जो पी टाइप है वो टाइगर प्रो के नाम से एक ब्रांड आता है और जिंको का जो एन टाइप है वो टाइगर न्यू के नाम से ब्रांड आता है। तो इनमें क्या क्या प्राइसेस चल रही है 575 वाट यानी 575 वाट में सोलर पैनल्स के अंदर कौन कौन सी कंपनीज कौन कौन से सोलर पैनल बना रहे हैं, सिंगल ग्लास में, डबल ग्लास में, और डबल ग्लास की क्या एफिशिएंसीज हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सोलर से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमारे कंट्री में रमजान शरीफ चल रहा है, बस आप कोशिश करें कि रमजान शरीफ के अंदर कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें, ठीक है, और पांचों वक्त नमाज पढ़ें। कोशिश करें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें और पांचों वक्त पढ़ें और अपने गुनाहों को बख्शवाएं। और साथ ही साथ ये भी आपने कोशिश करनी है कि जिन जिन के साथ आपने ज्यादती की है उनको आप कंपनसेट करें। पहले फर्ज किया किसी से आपने आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले 1 लाख रुपया लिया था और अभी तक आपने वापस नहीं किया, तो आपने 1 लाख रुपया आपने देखना है कि उस जमाने में सोना कितना आता था, जितना सोना आता था उस हिसाब से आपने उनको वापस करना है। अगर उस वक्त 50,000 रुपया तोला सोना था तो 2 तोले सोना आता था ना, तो आज भी 2 तोले की रेट यानी 4.5 या 5 लाख रुपया होता है, तो उतने आपने पैसे वापस करने हैं। ये कोई इंटरेस्ट नहीं है, इट इज नॉट इंटरेस्ट, बट के असल वैल्यू है उसके ऊपर आपने उसको वापस करना है पैसा, फिर ही आपके गुनाह बख्शे जाएंगे। ये नहीं होता काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर आपके माफ नहीं होंगे, क्योंकि हकूकुल इबाद जब तक आप माफ नहीं करवाएंगे अल्लाह पाक आपको उस वक्त तक माफ नहीं फरमाएंगे जब तक आप लोगों के साथ जो ज्यादती की है उससे पहले आप माफी नहीं मांगते। देखिए ना, जब आप माफी मांगते हैं तो दूसरे बंदे के साथ जो ज्यादती की है वो भी अल्लाह से दुआ कर रहा है कि या अल्लाह मेरा जो हक है ये मुझे लेके दे। वो अगर आप दुनिया में ही देंगे तो आखिरत में आपको देना पड़ेगा, ठीक है जी। ये आप जस्ट मैं मैसेज देना चाह रहा था आपको कि आप ये ना समझे कि सिर्फ आप इस तरह से गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, बल्कि आपने जिनके साथ ज्यादती किया है जिनका कोई पैसे देनी है तो वह आप पहले कंपनसेट करेंगे तो देन आप ये सब कुछ करेंगे। अगर आपको सोलर पैनल लेने हैं अपने घर की छत के लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आपने बताना है, ठीक है। मैं आपकी कोशिश करूंगा कि आपके सिटी में कौन सा बंदा है जो आपका सोलर पैनल लगा सकता है, और आपको 1 किलोवाट का सिस्टम चाहिए, 2 किलोवाट का चाहिए, 10 किलोवाट का चाहिए, आपने बिजली के यूनिट्स बताने हैं जो जुलाई अगस्त में पिछले साल कितने यूनिट्स का बिल आया था आपको। आपको बहुत अच्छी न्यूज जो मैं बताने वाला हूं, 12,300 कंटेनर्स कराची पोर्ट में मार्च के महीने में उतरे हैं। कराची पोर्ट में 12,300 कंटेनर्स उतरे हैं जिसके अंदर लाखों के हिसाब से सोलर पैनल्स हैं जो कि चाइना से और डिफरेंट कंट्रीज से पाकिस्तान के अंदर आए हैं, जो कि कराची से अब चलने वाले हैं डिफरेंट सिटीज में, जैसे लाहौर में, पिशावर में, कोयटा में, रावलपिंडी में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, डीजी खान में आपको सोलर पैनल मिलेंगे और मजीद कीमतें कम होगी। इस वक्त क्या रेट चल रहे हैं उसके लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक शुरू भी कर दिया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि लोग भी अपने घर की छत पे सोलर के सिस्टम लगवाएं। सबसे पहले आता है जे ए सोलर जो है उसका एन टाइप का जो सोलर पैनल है इस वक्त आपको मिलेगा 575 वाट में 21,700 रुपए में, 21,700 रुपीज में, 575 वाट का लोजी हाइमो 5। हाइमो 5 आपको पता है 2 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आया था हाइमो 6, अब आया हाइमो 7 जो कि मार्च 2024 के अंदर लोजी हाइमो 7 आया। लोजी हाइमो 5 जो है वो मिलेगा 575 वाट में 22,875 रुपए में, और जो है 575 वाट का लोजी हाइमो 6 सिंगल ग्लास में मिलेगा 23,500 रुपए में, और लोजी हाइमो 6 डबल ग्लास में मिलेगा 24,100 रुपए में। फिर 575 वाट का लोजी हाइमो 7 जो है उसकी प्राइस पिछले 15-20 दिन के अंदर काफी नीचे आ गई है। पहले ये 60 रुपए पर वाट के हिसाब से आया था, इस वक्त ये 46-47 रुपीज पर वाट के हिसाब से मिल रहा है, और ये मिलेगा आपको 575 वाट का पैनल मिलेगा 24,900 रुपए का, 24,900 रुपीज में। क्यू सेल के अंदर 575 वाट का जो एन टाइप का सोलर पैनल है वो मिलेगा आपको क्यू सेल कंपनी में 23,800 रुपए में, आज की प्राइस है ये। ट्रीना कंपनी में 575 वाट एन टाइप सोलर पैनल मिलेगा
आपको 24,200 रुपीज में नेक्सस 575 वाट का जिंको पी टाइप, जिंको का जो पी टाइप है उसका ब्रांड है टाइगर प्रो, टाइगर प्रो ब्रांड आपको मिलेगा 24,000 रुपए में, यानी 24,000 रुपीज फुल में। नेक्स्ट इज 575 वाट जिंको टाइगर न्यू, टाइगर न्यू ब्रांड बेसिकली है एन टाइप वाला। एन टाइप के अंदर सोलर पैनल अगर आप लेना चाहते हैं जिंको के, तो वो 490 वाट में आपको मिलेंगे, 500 वाट में मिलेंगे, 515 वाट में मिलेंगे, 535 वाट में, 555 वाट में, 575 वाट में, 580 वाट में, 590 वाट में, 610 वाट में और 650 वाट में। ये आपको टाइगर न्यू ब्रांड जो कि एन टाइप है, ये सबसे ज्यादा इस वक्त लोग पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर, सबसे ज्यादा लाइक कर रहे हैं और लगवा रहे हैं अपनी घर की छत के ऊपर। बस आपने ये ख्याल करना है कि ये जो 575 वाट का मिलेगा 25,100 रुपए में, ये आपने जेब में ख्याल करना है कि जब आपने फिट करवाना है ना, तो जो फ्रेम आपने लेना है वो 14 गेज का लेना है, 14 गेज का, यानी हैवी होगा वो फ्रेम, जो लोहे का फ्रेम होगा वो हैवी होगा, वजनी होगा, और उसके बाद जंग नहीं लगेगा। गैल्वनाइज्ड अगर आप लेंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा। और स्टेनलेस स्टील के पेच आपने लेने हैं, नट बोल्ट हमेशा स्टेनलेस स्टील के लगवाएं, ताकि जब हवा झक्कड़ तूफान आए, तो बहुत ज्यादा तूफान आते हैं बाद का जून जुलाई के महीने में, तो होता यह है कि जो सोलर पैनल था वो उखड़ जाते हैं, उखड़ के आपकी दो तीन हमसाया की छत पे वो चले जाएंगे और टूट जाएंगे। जब सोलर पैनल टूट जाएंगे तो उसका शीशा टूट जाएगा मतलब, तो वो रिफंडेबल नहीं होता, फिर वो वापस नहीं होता, ना ही आपको उसकी वारंटी मिलेगी। इसलिए जरूरी होता है कि आप सोलर पैनल अच्छे पेचों के साथ लगाएं, और सोलर पैनल के जो नीचे पांव है ना उसके ऊपर कंक्रीट कवरिंग कराएं, यानी चारों तरफ ईंटें रख के ना उसके दरमियान में कंक्रीट कवरिंग करवानी है, जैसे लेंटर डालते हैं ना इस तरह। अगर फर्ज किया 10 सोलर पैनल है तो 5 फ्रेम आपको चाहिए होंगे, और हर फ्रेम जो है उसके नीचे चार चार पाव होंगे, यानी ये 20 पाव होंगे, और 20 पावों के ऊपर आपने कंक्रीट की कवरिंग करानी, 1 फुट ऊंची, 1 फुट चौड़ी, 1 फुट लंबी, ठीक है। वो करेंगे तो आपके जो सोलर पैनल है मजबूती के साथ छत के साथ जम जाएंगे। और आपने जो तार लेनी है ना सोलर की डीसी वायर, वो प्योर कॉपर वाली आपने लेनी है, अच्छी गेज वाली लेनी है, अच्छी कंपनी वाली लेनी है, अच्छी गेज अच्छी कंपनी वाली, ठीक है। दूसरी चीज आपके जो ब्रेकर है वो अच्छे लेने हैं, इन्वर्टर आपने अच्छा लेना है, विद वारंटी लेना है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको मैंने बताना था कि 12,300 कंटेनर कराची पोर्ट में पहुंच गए हैं, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन में आपको प्राइसेस और नीचे मिलेंगी, और आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने घर की छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाएं। एक एसी चलाने वाला जो सिस्टम है ना, जिसके साथ एक एसी भी चलेगा, एक फ्रिज भी चलेगा, 5-6 लाइटें भी चलेंगी, 5-6 पंखे भी चलेंगे, और 24 घंटे आपका सिस्टम चलेगा, वो आपका 3 किलोवाट का सिस्टम है, जिसके ऊपर मैं अलग से आज वीडियो बना रहा हूं, उसको भी आप देखें। वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, जैसे इधर और इधर कहीं नजर आ जाएगा, आप उसको खोलें, उसको देखें और अपने घर की छत पे लगवाएं, और जहां से भी आपको सस्ता सिस्टम मिलता है आप लगवाएं। और सिर्फ ये देखना है कि वारंटीज वगैरह देख लें, और उसको अच्छे तरीके से चेक करके उसके बार कोड को आपने तीनों जगह से वेरीफाई करना है, उनकी वेबसाइट से भी जाके, फिर सोलर पैनल की टॉप पे जाके उसके शीशे के नीचे भी चेक करना है, और जो बार कोड का पूरा पेज है उसको भी वेरीफाई करना है उनकी वेबसाइट से जाके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।